हेलो दोस्तों, तकनीक और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हमेशा और मैं आपका होस्ट और दोस्त आरती। तो दोस्तों, ये मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से 3 दिन पहले और रिप्लेस किया, आज मेरे पास ये पहुंच गया। देर नहीं करता, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो दोस्तों, ये मैंने मंगवाया बिग बिलियन डे सेल पर फ्लिपकार्ट से, और चलिए खोल देता हूँ इसको। बहुत सारे फ़ायदे, EMI के फ़ायदे, कैशबैक के फ़ायदे, डिस्काउंट्स के फ़ायदे और प्रोडक्ट एक्सचेंज के फ़ायदे आप वहाँ पर उठा सकते थे। और इसके ऊपर दिया हुआ है कि अगर फटा हुआ हो कूपन ये लेवल इसका, तो इसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन बिल्कुल सही सलामत पहुँचा है M2 Pro, पोको M2 Pro मोबाइल फ़ोन जो कि मैंने मंगवाया था। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के पीछे दे रखे हैं उन्होंने। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 730G और मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी चीज़। भले कंपनी चाइनीज़ है लेकिन मेड इन इंडिया है। दोस्तों, 4 GB और 64 GB इनबिल्ट मेमोरी के इस फ़ोन की कीमत वैसे 13,999 लेकिन बिग बिलियन डे पे 12,999 का मिल रहा था, और साथ में मुझे डाउन पेमेंट करने पे 10% डिस्काउंट और मिल गया। मतलब 1,250 डिस्काउंट मिला, मुझे 11,700 रुपये में ये फ़ोन पड़ गया जो कि 14,000 रुपये कीमत का था। इसके अंदर निकलता है ये देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बुकलेट है, अदरवाइज़ आजकल 4-5 बुकलेट्स आती हैं, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और वारंटी कार्ड भी इसी में होगा चार पन्ने का। और इसके अलावा इस केस, सिलिकॉन केस, सॉफ्ट सिलिकॉन केस पीछे के लिए दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके मोबाइल को सेफ भी रखता है, चूँकि इसमें पूरी तरीके से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का है, बैक भी और फ्रंट भी, तो ज़रूरी है इसमें बैक कवर लगाया जाए। सिम इंसर्शन पिन ये भी इसमें दी हुई है। इसके अलावा एक चार्जर भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है बहुत ज़बरदस्त चार्जर, 33 वॉट का चार्जर है जो कि 1 घंटे के अंदर मोबाइल को पूरी तरह चार्ज कर देगा। और साथ में स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं इसके, और डेटा केबल, USB केबल भी दे रखी है इसके लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें फास्ट चार्जर दिया हुआ है। और अल्टीमेटली ये आ गया मोबाइल फ़ोन ग्रीन और गिनर, इसमें 2 शेड्स आते हैं। कलर्स तो 3-4 थे लेकिन एक कलर में 2 शेड्स होते हैं। ये वाला मैंने ग्रीन और गिनर शेड का मंगवाया है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कलर लग रहा है। और पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप भी है, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। 6.67 इंच की बड़ी सी स्क्रीन, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं USB चार्जिंग का पोर्ट है Type 3, और 3.5 mm का जैक है, और ये वॉल्यूम रॉकर, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक्स, और बाएं हाथ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड स्लॉट। ये डुअल डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ आती है, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए सिम ट्रे, इसके अंदर 2 सिम लग सकते हैं, नैनो सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड। 512 GB तक इसकी मेमोरी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको वापस लगा देते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर, और कलर इसमें और भी था, एक ब्लू में था और एक ब्लैक में भी था। मैंने ग्रीन मंगवाया है, स्विच ऑन करके देखता हूँ। तो पोको की ब्रांडिंग के साथ ये स्टार्ट होता है और 23 से 24 सेकंड लेता है बूट अप टाइम इसका। और MIUI इंटरफेस 11 होगा अभी इसके अंदर, हालांकि इसके अपडेट्स भी आ गए हैं जो कि बाद में अपडेट करके MIUI 12 में आप कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसका सेटअप कर लूँगा, मैं भी इसको अपडेट कर दूँगा MIUI 12 में, ताकि सभी सिक्योरिटी अपडेट्स मुझे मिल जाएं और मेरा फ़ोन स्मूथली चल सके। तो ये MIUI 11 का इंटरफेस, और बाकी मैं इसको सेटअप बाद में करूँगा, पूरा डिटेल वीडियो एक और बनाऊँगा। तो कैसा यूज़ कर हो रहा है और कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसी इसकी फोटोग्राफी हो रही है और कौन कौन से अलग अलग खूबियाँ हैं इस फ़ोन के, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आज का वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग तक ही सीमित रखा हूँ। ये राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, वहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं, उसको सेटअप मैं बाद में करूँगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में फैमिली में सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए, और बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं तो प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए और कौन कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो में क्या पसंद आया क्या नापसंद आया। चलिए एक बार आपको चार्जिंग और लगा के दिखा देता हूँ। FM फ़ोन भी, FM रेडियो भी है इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ चार्जिंग पे लगा के। जब मैंने फ़ोन लिया 65% चार्ज था ये, और इसको 100% होने में करीब करीब 35 मिनट लगा था। ये देखिए 65% और 100% होने में 35 मिनट लगा।
तो ठीक है, बाद में आधे के बाद फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी ज़ीरो से चार्ज होगा तो वो बताऊंगा आपको कितना टाइम लगता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस आज का अनबॉक्सिंग का वीडियो यहीं तक, रहिए मेरे साथ और देखिए बहुत सारे वीडियोस टेक्निकल हमेशा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।